गुड मॉर्निंग। आज से आज की दिनचर्या में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए सेटरिंग का काम यहाँ तक आ चुका है और ये बाथरूम प्लास्टर हो चुका है। बाथरूम में अब टाइल्स लगना बाकी है। ये देखिए यहाँ पर टाइल्स मिस्त्री नहीं आया कल भी, जिसके कारण काम नहीं हो पाया। तो अंदर से टाइल्स लगेगा इसके अंदर, देख लीजिए अभी का व्यूज कैसा, उसके बाद का व्यूज दिखाएंगे। ये देख लीजिए बाथरूम किस टाइप से, वेंटिलेशन नल सब का सिस्टम, ये सबका सिस्टम है। गेट तो मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सेटिंग कितना काम हुआ अभी तक। ये देख लीजिए पीछे से ऐसा लगता है मेरा घर। सेटिंग का काम लगभग कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन होने वाला ही है। 2 से 3 दिन के अंदर सेटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए तार यहाँ से करंट आता है उधर से, इस रूम में भी सेटिंग उस दिन दिखाए थे लास्ट दिन, तो इस रूम में सेटिंग नहीं हुआ था। देखिए किचन रूम बच गया सेटिंग होने के लिए, देख लीजिए किचन रूम बच गया सेटिंग होने के लिए, सीढ़ी बच गया है और वहाँ कुछ काम रह गया है मिस्त्री राजमिस्त्री का, जिसे करवाना जरूरी है। यहाँ देखिए यहाँ पिलर भरना होगा, 1 2 3 पिलर भरना जरूरी है, और थोड़ा तो ये सब चीज करना जरूरी है। आगे मिलते हैं मिस्त्री लोग आने के बाद, तो दिखाएंगे इन लोगों का क्या सब काम हुआ है। तो जाता हूँ, हाथ धोऊँगा, नाश्ता करूँगा, तब मैं वहाँ से भट्ठा की ओर बढ़ा और भट्ठा पर तुम्हें पहुँचा। गीता का बहुत जरूरत था, जैसे मैं बोल रहा था गीता भी कहीं ना रख दिया था, मैं जैसे उनका फोन कर गया देखा निकालने के लिए ड्राइवर द्वारा बाद धीरे धीरे कैसा हो गया, मैं तो बैठ गया था साइड में जाके, और देखिए धीरे धीरे पैसा का ये डाला उठ गया, इतना उठ गया कि संभालना फिर मुझे करना है उसकी तबियत क्या तब गई। धीरे धीरे देखिए तब उठ गया पहले, धीरे धीरे खुश हो गया, आप जाके आगे में खड़े हो जाए, खड़े बना टोपी वाला मुँह पर, मैं थोड़ा भूखा लगा
अरे हमारे खेत के घर घोड़ा चले छोड़े देखिए फाइनली अब वहाँ से ये ट्रैक्टर आ गया है इटा वाला ट्रैक्टर जैसे ही पहुँचा दूसरा आ गया टन लोड करवाने की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ये देखिए कितना भार बत्ती सीमेंट का बोरा ट्रैक्टर पैक लेके आया और फिर वहाँ और जल दो जगह पर लेकर जल दो जल दो कंटा और तो ये दोनों चेकेंगे क्या नहीं चेक करते हैं उठा करना पड़ेगा खड़ा किया लोड होगा दूर का फिर दूर का तब नहीं तो ट्रैक्टर पीछे ये है जोर सा इसके बाद आदमी को मैंने फ़ोन किया कि मेरे घर में टाइल्स लगाने वाले भैया आ रहे हैं तो बहुत सारे आदमी को देखने के लिए मैं बुला लाया क्योंकि मेरे गांव में किसी के यहाँ पहली बार टाइल्स लग रहा था तो मैं देखी सबको बुला लाया सब आदमी देख रहे थे टाइल्स किस टाइप से लग रहा है और टाइल्स वाले भैया भी बहुत खुश थे देखें इतना आदमी देखने के लिए आ रहे थे देखिए मेरे को भी कुछ आदमी हैं जो सब देख रहे हैं कि टाइल्स कैसे लग रहा है मुझे भी बहुत खुशी मिल रही थी वाह मेरे घर में टाइल्स लग रहा है मेरे घर में नहीं लग रहा था मेरे घर में लग रहा था तो उसके बाद मैं आ गया अपने गाँव के हटिया सब्जी लेने के लिए क्योंकि रोज 10 से 15 लेबर चलते हैं और मुझे भी काम करना पड़ता है तो मैं आ गया शाम में कुछ समय के बाद सब्जी लेने के लिए अपने गाँव के हटिया में वहाँ से मैं सब्जी लिया और मैं आगे की ओर